हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइज, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो यूको बैंक है, आपका यूसीओ बैंक जो है, उन्होंने गाइज वैकेंसी निकाली है आपकी अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, अप्रेंटिस पोस्ट के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली है। इसके लिए अप्लाई का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म फीस क्या रहेगी, क्या डेट है आपकी और क्या प्रोसेस रहने वाला है सिलेक्शन का, और क्या आपको इसमें जो है आपकी सैलरी और जो इनकम है वो बनने वाली है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ ये वैकेंसी है सबसे पहले तो। और एक और मेन चीज़ इसमें बता देता हूँ, जो फॉर्म फीस है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, जर्नल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, पीडब्ल्यूडी हो, किसी के लिए भी कोई फॉर्म फीस नहीं है। तो फॉर्म के लिए आपको कोई चार्ज भी पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ये क्लियर कर दिया। टोटल पोस्ट की बात कर लेता हूँ। देखिए, एक बार जो टोटल आपकी सीट्स निकाली गई हैं वो 544 सीट्स हैं आपकी। ठीक है, अब स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, ये मैं आपको बताऊँगा अभी अभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए डिस्कस करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो वैकेंसी है, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियर मैंशन कर रखा है, आपकी अप्रेंटिस पोस्ट के लिए निकाली गई है यूको बैंक ने, जो निकाली एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें जो डिटेल में रहने वाला है वो मैं आपको एक बार चीज़ें बता देता हूँ। तो वाइज देखिए, नंबर ऑफ़ सीट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि कितनी सीट्स हैं इसमें। अब स्टेट वाइज मैं भी वो भी आपको एक बार दिखा दूंगा। जो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी एज जो है, जब आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंगली, 1 जुलाई 2024 तक आपकी जो एज है वो रहनी चाहिए 20 से बिटवीन आपकी 28 तक, मतलब 20 से 28 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हो इस अप्रेंटिस पोस्ट के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है वो भी मैं बता देता हूँ। एससी यहीं पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, एससी एसटी 5 साल, 3 साल आपका ओबीसी हो गया, और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे इन्होंने अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी वाइज मेंशन कर रखा है। पीडब्ल्यूडी में भी अगर आपकी कैटेगरीज है तो कितना कितना आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। मैं ये ऐसा करूँगा, जो आपका नोटिफिकेशन है, जो अभी मैंने रिसेंट में ही टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया था, वहीं पर आपको ये नोटिफिकेशन भी मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है, और अभी देखिए ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर पहले बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, एटलीस्ट आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपकी अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आपकी एज 20 से 28 के बीच में है तो आप एलिजिबल हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले जो है 1 ईयर तक आपकी ट्रेनिंग रहेगी, इसमें ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो इन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे आपका 10,500 रहेगा, प्लस आपका 4,500 जो गवर्नमेंट के शेयर रहेंगे वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी टोटल मिला के आपका जो रहेगा वो 15,000 रुपये रहेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ठीक है, उसके बीच में आपको जो मिलेगा। अब यहाँ पे जो प्रोसेस रहने वाला है वो मैं क्लियर कर देता हूँ सिलेक्शन का। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, देखिए जिस भी स्टेट से आप हो उसकी एटलीस्ट लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उसका रिटर्न आपको आना चाहिए। आप अगर मैं बात करूँ, जैसे रीडिंग हो गई, राइटिंग हो गई, स्पीकिंग हो गई एंड अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये सारी चीज़ों में आप एकदम परफेक्ट होने चाहिए। प्लस इन्होंने जो प्रोसेस यहाँ पर देखिए रखा है, मैं ये भी दिखाई देता हूँ आपको। स्टार्टिंग में ही इन्होंने मैंशन कर रखा है रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू राउंड के थ्रू यहाँ पे जो है ये सिलेक्शन रहने वाला है इसमें। और जो भी इसका सारा सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा उसकी जो सारी अपडेट्स आपको देखो देखने को मिलेंगी वो रहेंगी www.yukobank.com की करियर वेबसाइट के थ्रू। तो ठीक है, इस वेबसाइट के थ्रू आप इस पर भी डायरेक्ट क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन के थ्रू भी आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। इसका अप्लाई करने का प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। बाकी स्टेट वाइज वैकेंसीज यहाँ पर दे रखी हैं, देखिए किस स्टेट में किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पे निकाली है। जैसे अगर मैं स्पेशली पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आपको कोई भी एक स्टेट अगर हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए बिहार है। अब बिहार में देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 20 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है आपकी, ओबीसी के लिए 10 है, एसटी के लिए 0 है, और एससी के लिए आपकी 6 वैकेंसीज है। तो ऐसे ही आप भी अपने स्टेट वाइज चेक कर सकते हो कि किस स्टेट के लिए कितनी यहाँ पर है। न्यू दिल्ली में अगर आप हो तो 7 आपकी जर्नल आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे भी मेंशन है न्यू दिल्ली के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लगभग सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अगर अब भी कोई डाउट आप लोगों का रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा डायरेक्ट, या फिर इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, आईडी का लिंक नीचे ही मिल जाएगा। और अप्लाई करने का प्रोसेस पे अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो वो बता दीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स से चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ पहले आपको यही। तो गाइज़ ये ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाओगे, जब आप पहले स्टूडेंट रजिस्टर और स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन देगा तो फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो स्टूडेंट रजिस्टर पे आप लोग क्लिक करोगे। अब यहाँ पे इन्होंने देखिए शुरू में ही क्लियरली ये बता दिया है, आप इसको अप्लाई का प्रोसेस तब स्टार्ट करिएगा जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो। आधार कार्ड, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ जिसकी आपका साइज़ होना चाहिए लेस देन 1 MB,
आधार आपका होना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फॉर्मेट PDF साइज और आपका फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्मेट, ठीक है। PDF साइज़ में आपको बनाना होगा लेस देन 1 MB, ठीक है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। आगे जब आप जाओगे यहाँ पे, आप ये मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद, OTP डालने के बाद वेरीफाई जब कर दोगे, वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा, तो आप उस पर नो क्लिक करिएगा, अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे इन्हीं वीडियोज़ को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।